नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कानपुर हिंसा पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है और इसको लेकर चप्पे चप्पे में पुलिस पूरे कानपुर में तैनात है। आईपीएस आनंद प्रकाश तिवारी जी भी नजर बनाए हुए हैं, जो हमारे साथ इस वक्त कैपिटल टीवी में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक हमने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक SIT हमने बनाई है, विशेष जांच दल। तीनों मुकदमे जो कि दर्ज किए गए थे, 42/2022, 43/2022, 44/2022 बेकनगंज थाना के, उनकी जांच कर रही है। फॉरेंसिक दल ने कल सारे एविडेंसेस को सड़क से कलेक्ट किया। शुरुआती जांच दल ने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। आज कोर्ट में हम जा रहे हैं रिमांड के लिए कि मुख्य अभियुक्त और उनसे उनके साथ काम कर रहे जो मुख्य लोग हैं, उनका हम पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ कर सकें। इसके लिए आज हम न्यायालय के समक्ष उनको रिमांड में लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 12 गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी आप लोगों ने कैसे की? घटना के दिन देखिए, कुछ लोगों को तो हम घटना के समय ही अरेस्ट कर ले गए थे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फुटेजेस की, गलियों में पुलिस अंदर जा कर के जो लोग पत्थर चला रहे थे, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, उनको गलियों के भीतर से हम अरेस्ट करके ले गए थे। तो 18 लोग तो उस दिन ही अरेस्ट हम कर पाए थे। इसके बाद चूँकि हयात जफर आशमी ये मुख्य अभियुक्त थे और एक मेन कॉन्स्पिरेटर के रूप में इनका रोल बड़ा साफ था, तो इनको गिरफ्तार हमने किया और इनके साथ जो लोग थे हमें उनको गिरफ्तार किया। इसके बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो लोग CCTV फुटेजेज में, वीडियो कैमरे में, मोबाइल कैमरे में जो लोग कैप्चर हुए थे, उनके फोटोग्राफ्स को क्लियर करके हमने उन फोटोग्राफ्स के द्वारा अपने लोगों से यहाँ पे पहचान करवाई और हमने उनको गिरफ्तार किया। अब जिनकी पहचान हम नहीं करा पा रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स हमने पब्लिक में रिलीज किए हैं और लोगों के द्वारा भी हमें बताया जा रहा है कि ये नाम है और ये एड्रेस है, तो अकॉर्डिंगली हम उस पर वर्क कर रहे हैं जी। 40 दंगाइयों के पोस्टर्स छपे हैं, आपने एक नंबर भी जारी किया है, उस पर कितने कॉल्स आए, क्या रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से क्या मिला? नहीं देखिए, यहाँ पे बेकनगंज क्षेत्र में आम जनता का रेस्पॉन्स अपेक्षाकृत बेहतर मैं कह सकता हूँ, और इन लोगों ने बताए हैं कि ये लोग हैं, ये बाहर से आए थे और इन लोगों ने यहाँ पे ये काम किया। इन्होंने कुछ को पहचानने में भी दिलचस्पी दिखाई है और बताया भी है 3-4 लोगों के बारे में। इस पूरे प्रकरण में जो फोटोग्राफ्स हमने रिलीज किए हैं, आप विश्वास करेंगे कि पिछले 24 घंटे में 40 लोगों में से 13 लोगों की शिनाख्त हम कर पाए हैं। खुद भी कुछ लोग आगे अपने आप सरेंडर कर रहे हैं? हाँ, कर्नलगंज थाने में कल एक लड़का खुद आगे बढ़ करके सरेंडर किया और मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 और भी लोग हैं जो शायद आज आ करके सरेंडर करेंगे। क्या सारे नाबालिग बताए जा रहे हैं, कम उम्र के? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे निकले जो माइनर भी हो सकते हैं। कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, जो कानून हमें अधिकार देता है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आप लोग अलग अलग चौक चौराहों पे जाके अलग अलग गिरफ्तारियां कर रहे हैं, खबर ये भी है कि पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई जा रही है? नहीं देखिए, कल एक परिवार ने गिरफ्तारी के समय में थोड़ा ओवरस्ट्रक्शन क्रिएट किया था। हम ये मानते हैं कि किसी के परिवार में अगर आप गिरफ्तारी करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ थोड़े ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन हमारी इतनी सिखलाई है, लोग हमारी इतनी ट्रेनिंग है कि हम अपने बेहतर बिहेवियर से, टैक्ट से और अपने फोर्स के बेटर कोऑर्डिनेशन से हम इन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं और करते रहते हैं। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस पूरे क्षेत्र के हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें और हम ऐसा रेस्पॉन्स देख रहे हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत है। हमें विश्वास है कि ये सपोर्ट करेंगे। अभी तक 50 गिरफ्तारी हुई है, पर आप लोगों को जो एविडेंस मिल रहे हैं, क्या लग रहा है और ये गिरफ्तारी कितनी बढ़ सकती है? CCTV फुटेजेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 फ्रंट पे लगभग 30-40 की संख्या विजिबल दिखाई देती है। कुछ ऐसे घर हैं जिनकी छतों से भी पत्थर चले हैं, हमने उनको भी आइडेंटिफाई किया है। तो मुझे लगता है कि अभी इसकी संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि कोई भी निर्दोष
किसी भी तरीके से परेशान ना हो और कोई भी दोषी किसी हाल में बख्शा ना जाए। सर एक आखिरी सवाल मेरा, अभी तक 40 दंगाइयों के पोस्टर रिलीज आपने किया, कोई और नया पोस्टर रिलीज करना है? कुछ और फोटोग्राफ्स डेवलप कराए जा रहे हैं, देखिए अलग अलग कैमरे अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग रिजोल्यूशन के हैं, उनसे जब मोमेंटम में कोई चीज़ कैप्चर होती है तो उसको फोटो के रूप में डेवलप करना इतना आसान नहीं होता, हम कर रहे हैं। फर्स्ट सेट ऑफ फोटोग्राफ हमने कल दिए हैं, सेकंड सेट ऑफ फोटोग्राफ आज हम रिलीज करने के लिए प्रयासरत हैं, मोस्ट लाइकली हो सकता है कि कुछ और हम आज कर पाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ IPS आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो कानपुर हिंसा पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। बीते 24 घंटे में 12 गिरफ्तारी हुई है और अब तक 50 गिरफ्तारी हो चुकी है। कैपिटल टीवी की टीम ग्राउंड रिपोर्ट में मौजूद है, पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।